अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अंजुम और आज हम चॉकलेट पुडिंग बनाएंगे। ये ऐसा डेजर्ट है कि बच्चे और बड़े सभी से पसंद करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने आधा लीटर दूध लिया है रूम टेम्परेचर पे। उसमें हम 3/4 कप शक्कर ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून मैदा, 1/2 कप कोको पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मिक्स हो गया है। अब हम इसे गैस पर रख देंगे। हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। जैसे ही गर्म होने लगेगा, ये थोड़ा थिक होने लगेगा। देखिए देखिए इसमें बॉईल आ गया है और अच्छा गाढ़ा भी हो गया है ये। अब हम इसे इसी तरह चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर डालने से इसमें एक अच्छा सा शाइन आ जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। बटर भी मिक्स हो गया इसमें अच्छे से। हमारा चॉकलेट सॉस भी रेडी हो गया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इस चॉकलेट सॉस को हम 3-4 मिनट के लिए चलाते हुए ही ठंडा करेंगे, वरना इस पर चॉकलेट की एक लेयर आ जाएगी। और यहाँ हमने न्यूट्री चॉइस बिस्किट्स लिए हैं। आप चाहे तो मारी या कोई और बिस्किट भी ले सकते हैं। और 1/2 कप दूध लिया है रूम टेम्परेचर पे। अब दूध में हम एक एक बिस्किट को डिप करके ये सर्विंग डिश में हम सेट करेंगे। इस तरह से एक लेयर लग गई है बिस्किट की। अब हम उसके ऊपर ये चॉकलेट सॉस जो हमने बनाया है वो अच्छे से डाल देंगे। एक लेयर हमने अच्छे से लगा ली है, उसके ऊपर हम दूध में बिस्किट को डिप करके एक और लेयर लगाएंगे अच्छे से। उसके बाद चॉकलेट सॉस की भी एक लेयर हम लगाएंगे। ये लेयर अच्छे से लग गई है। हमने 2 बिस्किट्स को बिल्कुल क्रश कर लिया है। इन बिस्किट्स को हम हमारे पुडिंग के ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे हर तरफ अच्छे से। उसके बाद हम उसके ऊपर चोको चिप से डेकोरेट करेंगे। बच्चों को ये चोको चिप्स बहुत पसंद आते हैं। इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने इसके ऊपर सिल्वर बॉल्स भी डाले हैं। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। हमारा चॉकलेट पुडिंग रेडी हो गया है। ये बहुत ही अच्छा बना है। आप भी इसे बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए बिस्किट्स की लेयर कितनी अच्छी लग रही है। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।